नमस्कार, मैं दिलीप कावरिया वसई विरार समाचार लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आशा है आप सभी कोविड एवं बारिश से बचकर अपने घर में सुरक्षित होंगे। पिछले दो दिनों से मुंबई सहित कोंकण, ठाणे एवं पालघर जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। आज सुबह कुछ हद तक बारिश ने शांति बनाए रखी है, उसके बाद वापस रुक रुक कर बारिश का जोर चालू है। भारी बारिश के चलते आपने कई सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कई जगह पानी भरा है। यह स्थिति वसई विरार की भी है। विरार के विवा कॉलेज, एमबी स्टेट, समता नगर, बोलेंच, गोकुल टाउनशिप सहित सोपारा के तुलिंच, आचोले, सेंट्रल पार्क, वसई के वैदापाड़ा, फादरवाड़ी, पार्वती नगर, आनंद नगर सहित कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बसों की आवाजाही भी लगभग बंद है। लोग परेशानी से अपने घर में रहने को मजबूर है, क्योंकि यातायात व्यवस्था भी ठप है। रही बात इस प्राकृतिक आपदा के समय, कई लोगों का मानना है इस पूरी आपदा के पीछे प्रशासन जवाबदार है। हाँ, हम मानते हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं अपने काम में पूरे नहीं हो सके हैं, मगर मुंबई के आयुक्त इकबाल सिंह चहल का एक बयान आया है कि ऐसी भारी बारिश अगर विश्व के किसी भी कोने में होती तो वहां भी जल भराव की समस्या होती। तो यह प्राकृतिक आपदा के समय मानता है कि प्रशासन कमजोर है, पर जो जल भराव की व्यवस्था है, तो इकबाल सिंह छल का भी यह बयान अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं चलता, मगर प्रशासन को ज्यादा जवाबदार होना चाहिए, उनकी कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए। धन्यवाद।